सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दसम स्कंद 11 नंबर अध्याय, कृष्ण की बाल लीलाएं और श्लोक नंबर 53। मुक्तं बकास्यादुपलब्ध बालका रामादया प्राणम इवेन्द्रियोगणया सानागतं तं परिरभ निर्वृता प्रणीय वत्सान वजम एते तज्जगो मुक्तं बकास्यात् उपलब्ध बालका रामादया प्राणम वेन्द्रियोगणम स्थानागतं तं परिरभ निर्वृता प्रणीय वत्सान वजम एत तज्जगो मुक्तं बकास्यात् उपलब्ध बालका रामादया प्राणम वेन्द्रियोगणः स्थानागतं तं परिरभ निर्वृता प्राणीय वत्सान वजम एत्य तज्जगुः मुक्तम इस प्रकार छूटा हुआ बक आस्यात बकासुर के मुख से उपलब्ध वापस पाकर बालका सारे बालक संगी राम आदयः बलराम इत्यादि प्राणम प्राण एव के समान इंद्रियः इंद्रियां गणः समूह स्थान आगतम
अपने अपने स्थान पर जाकर तम कृष्ण को परिरभ्य चूमते हुए निर्वृता संकट से मुक्त हुए प्रणीय एकत्र करके वत्सान बछड़ों को व्रजम एत व्रज भूमि लौट कर तत जगुहु घटना का जोर जोर से बखान किया। अर्थ और तात्पर्य शिल्पोपाद द्वारा प्रोपाद की अर्थ, जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बछड़ों को समेट कर वे ब्रजभूमि लौट आए, जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। तात्पर्य, जब श्री कृष्ण असुरों को मारने की विभिन्न लीलाएं करते तो ब्रजभूमि के वासी जंगल में हुई घटनाओं पर कविता बनाते, वे सारी कहानियां पद्यबद्ध कर लेते या पेशेवर कवियों से करवा लेते और तब इन घटनाओं को गाया करते। अतः श्लोक में कहा गया है कि लड़के जोर जोर से गा रहे थे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सा पदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछा कल्पद्रूपेश कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे भक्तों से अनुरोध करते हैं थोड़ा हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम श्लोक पर कुछ बोल सकें। तो ये बकासुर की लीला है, उसका अंत हुआ है और प्रोपा जी लिखते हैं कैसे सारे गोप बालक उनकी अलग अलग कविताएं बनाकर गाया करते थे। तो इस तरह से वो भगवान की लीलाओं को याद किया करते थे। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे लीला। तो उस दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह कृष्ण जो कि हार पहने हुए थे वो उठते हैं
और उठने के बाद नहा धोने के बाद सर अपना सुबह का कार्यक्रम करने के बाद फिर वो बछड़ों को लेके चराने के लिए जाते हैं। तो बलराम जी के साथ में, और उसके बाद में वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर ठंडे पानी का अच्छा सा सरोवर था। तो वहां पर सारे गाय चरने लगती हैं, तो अलग अलग घासों पर, और ठंडा पानी पीने लगती हैं। और इस तरह से सारे गोप पालक खेलने की तैयारी करने ही वाले थे, तब उन्होंने देखा कि बगल में एक विचित्र प्राणी दिखाई दे रहा है, जो कि एक बड़े से पहाड़ की चोटी जैसे दिखाई दे रहा था, सफेद रंग के। तो उसको देखने में भी सबको भय लग रहा था, तो सब लोग साइड से देख रहे थे, अरे बाप रे क्या है ये। तब उन्होंने देखा, रे ये तो बकासुर है, इतना बड़ा। तो बकासुर एक बड़ी सी बतख के रूप में था, बतख के रूप में, और उसकी जो चोंच थी, चोंच बहुत नुकीली थी, पैनी एकदम। तो उसको देखते ही सबको डर लग रहा था, एक तो इतनी बड़ी चोंच थी और नुकीली भी, फिर बड़े बड़े पैर। बकों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े पैर होते, तो बड़े बड़े पैर थे। और जब वो आवाज़ कर रहा था तो ऐसा लग रहा था मान लीजिए मेघ की गर्जना हो रही हो, तो उस तरह से उसकी आवाज़ थी। और देखने में स्वयं भी अपना एक पर्वत जैसा दिखाई दे रहा था। तो बक वैसे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतना बड़ा किसी ने देखा नहीं था, इतना बड़ा बक। और क्योंकि वो तांत्रिक विद्याओं में बहुत निपुण था, तो तुरंत ही वो पहचान गया कि कंस का काल कौन है, कंस को कौन मानने वाला है। तो अपने तांत्रिक विद्याओं से समझ गया कि यही जो कृष्ण दिखाई दे रहा है सामने, नीले रंग का बालक, यही है जो कृष्ण कंस को मारने के लिए जिसका जन्म हुआ है। तो वो तुरंत वहाँ पर समझ गया, और समझते भी उसने क्या किया, तुरंत अपनी चोंच खोल ली। तो नीचे की चोंच जमीन पे थी, और ऊपर की चोंच ऐसा लग रहा था मान लीजिए आसमान को छूने वाली है। तो जैसे ही सारे गोप बालकों ने देखा कि अरे बाप रे इतनी बड़ी चोंच है, तो कुछ लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, और कुछ कृष्ण को बोलने लगे, कह रहे चोंच को देख के ऐसे लग रहा है कि सारे जीवों को आज ही निकल जाएगी। तो कृष्ण यहाँ पे रहना बहुत अच्छा नहीं है, पहली बात तो ये प्राणी बिल्कुल सुमेरु पर्वत जैसा दिखाई पड़ रहा है इतना बड़ा, और ऊपर से चोंच लग रहा है कि सबको निकलने वाली है, तो इससे पहले हमको निकल जाए, हमको यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो सबके सब वहाँ पे भागने की तैयारी पे, कुछ लोग भागने भी लगते हैं, कुछ भागने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनको देखने में बहुत भय लग रहा था। तो कृष्ण फिर क्या करते हैं, कृष्ण थोड़ा एक साइड लॉन्ग ग्लैंस मारते हैं, थोड़ा तिरछी नज़र से देखते हैं सबकी ओर, और फिर मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराने का मतलब है चिंता मत करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहीं पर रहो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कृष्ण स्वयं बकासुर की ओर आगे को बढ़ते हैं, तो टेंशन क्यों नहीं है कि मैं ही जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुमको नहीं निकलेगा। तो कृष्ण आगे जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण आगे जाते हैं बकासुर बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो बकासुर मुस्कुराने लगता है, दिखता नहीं है, खुश हो जाता है बहुत कि जिस कार्य के लिए आए थे वो अपने आप ही हो रहा है। और तुरंत वो क्या करता है, कृष्ण को निगल जाता है। और जैसे वो कृष्ण को निगल जाता है, सारे गोपालक बोलने लगते हैं, अहो अहो क्या हो गया, क्या हो गया, इससे बड़ी दुर्गति तो हो नहीं सकती थी। और वो बोलते बोलते सब बेहोश हो जाते हैं, बलराम जी भी बेहोश हो जाते हैं। जब बलराम जी
सबसे कम अफेक्ट होने वाले व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्ञान है ना हर चीज़ का, हर चीज़ का, और ज्ञान के द्योतक है, मतलब मुख्य प्रतिष्ठाता देवता हैं भगवान स्वयं बलराम जी। तो इसलिए बलराम जी को कुछ होता नहीं है। देखते हैं जब कालिया के फन पे, जब कृष्ण कालिया के फन पे नहीं नाच रहे थे बल्कि युद्ध कर रहे थे, तो सभी लोग बेहोश हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और बलराम जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बलराम जी को लग रहा था कि हम तो हमेशा इनके साथ में रहते हैं, अनंत शेष के रूप में हमारे साथ खेलते नहीं हैं, और ये पानी वाला जो छोटा सा सांप है इसके साथ खेल रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि मुस्कुराना नहीं चाहिए, कम से कम बाकी लोग इतना टेंशन में हैं, कुछ तो उनके साथ सांत्वना रखनी चाहिए, हैं मुस्कुरा रहे हैं। तो बलराम जी जनरली इतने आराम से, उनको उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन बलराम जी भी इस बार प्रभाव में थे, तो बलराम जी भी बेहोश हो जाते हैं। तो बकासुरे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत शक्तिशाली था, अभी तक जो दानव आए हैं उनमें सबसे शक्तिशाली था बकासुर। इसलिए पूतना का भी जब इंट्रोडक्शन आता तो कहते हैं अहो बकियम, बकासुर की बहन, तो ये नहीं कहते हैं पूतना, कहते हैं बकियम, बकासुर की बहन। तो जब कोई बड़ा आदमी होता है तो बाकी लोगों के उसके को उसके रिश्ते से ही बुलाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी की माता का नाम शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन कोई देखेगा तो बोलेगा नरेंद्र मोदी की माँ है। तो कोई बड़ी हस्ती होती है तो उसके रिश्ते से बाकी लोगों को, परिवारजनों को बुलाया जाता है। इसलिए पूतना के भी अच्छी फैमिली थी, पूतना बकासुर अगासुर भाई बहन बहुत एक ही विचार वाले थे, तो इसलिए पूतना को भी कहते हैं बकियम, बकासुर की बहन। तो बकासुर बहुत शक्तिशाली था। तो जब वो कृष्ण को निगल जाता है तो सारे गोप वहाँ पर, गोप कुमार बेहोश हो जाते हैं, और बहुत सारे देवतागण जो ऊपर से देख रहे थे, तो जब कृष्ण आगे बढ़े तो लग रहा था कि अभी कृष्ण मार देंगे, लेकिन देखा गया वो भी निगल गया, बकासुर निकल गया। तो सारे देवता लोग थे बहुत सारे, वो बेहोश हो गए, बोले भाई कृष्ण गए तो हम भी गए, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो बाकी जो देवता लोग थे उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, बोला एक साथ अटैक करना पड़ेगा। तो फिर देवता लोग एक साथ अटैक करने के लिए आते हैं। तो पहले इंद्रदेव आते हैं, तो इंद्रदेव अपने वज्र से प्रहार करते हैं, बकासुर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, सब बोले तालियां, ताली हो जाते हैं, लेकिन ताली की आवाज़ सुन के ही बकासुर खड़ा हो जाता है, फिर चैंपियन। तो लोग डर जाते हैं अभी अब क्या होगा। फिर ब्रह्मा जी आगे आते हैं, और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म दंड से प्रहार करते हैं, तो ब्रह्म दंड से प्रहार के कारण दो घड़ी के लिए वो मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित होने के बाद में उसके शरीर में कंपन होता है, ऐसे शरीर को हिलाता है, कंपन कर, कंपित करता है, जमाई लेता है जैसे अभी सो के उठा है, और फिर उठकर बादल के समय समान गर्जना करता हुआ फिर उड़ने लगता है। सब लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे अब क्या होगा। तो फिर शिव जी आते हैं अपना त्रिशूल लेकर, और शिव जी त्रिशूल से प्रहार करते हैं, तो शिव जी के त्रिशूल के प्रहार से उसका एक छोटा सा पंख टूट जाता है, और फिर वो उठ जाता है और फिर उड़ने लगता है। तो फिर वायुदेव आते हैं, वायुदेव अपने वायुअस्त्र से प्रहार करते हैं, तो वायु के वेग से वो ऊपर नीचे जाता है, तो लोगों को लगता है कि अभी साल लुढ़केगा कुछ होगा, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद फिर से स्टेबल हो जाता है, वायुदेव का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सूर्यदेव आते हैं, हाँ यमराज आते हैं, यमराज तो यमराज आते हैं, यमराज अपने यमदंड से प्रहार करते हैं, और जैसे ही यमदंड बकासुर पर गिरता है यमदंड ही टूट जाता है। यमराज बोले अरे बाप रे बहुत शक्तिशाली है। फिर सूर्यदेव आते हैं, सूर्यदेव अपना धनुष उठाते हैं,
और धनुष से 100 तीर एक साथ बकासुर को मारते हैं और ठीक जाके वो बकासुर को लगते हैं और वो लगे रहते हैं, बकासुर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एडिशनल फीचर हो जाता है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। फिर सोमदेव अपने अस्त्र से प्रहार करते हैं तो बेहोश हो जाता है, पहले की बात ही, फिर उठता है, फिर प्रहार करने लगता है। अग्निदेव आते हैं, वो अग्नि से प्रहार करते हैं तो उसके शरीर में कुछ रोएं थे, जैसे बाल होते हैं ना वैसे रोएं थे कुछ, तो रोएं जल जाते हैं थोड़े से, तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है रोएं जलने की वजह से। आपने देखा हमारा सीधराम है, वो काले से सफ़ेद हो गया है बुढ़ापे के कारण, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में वरुण देव आते हैं, वरुण अस्त्र से प्रहार करते हैं और वरुण अस्त्र से प्रहार के कारण कुछ दूरी तक घसीटता हुआ जाता है, फिर से स्टेबल हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद काली आती है, काली अपने गदा से प्रहार करती है तो फिर वो मूर्छित हो जाता है, मूर्छित होकर फिर से उठ जाता है। उसके बाद स्कंद, स्कंद मतलब कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति है, तो वो प्रहार करते हैं अपनी तलवार से और जो उनके प्रहार वाकई शक्तिशाली था तो उसका एक पैर टूट जाता है उससे, तो लोगों को लगता है कुछ तो हुआ है अभी। लेकिन क्या होता है, उसको लगता है कि अभी उससे पहले बहुत कुछ हो, वो अपने चोंच से और पंखों के प्रहार से सारे देवताओं को खदेड़ के वहां से भगा देता है और सारे देवता वहां से भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। और देवता लोग बोलते हैं आप कुछ होने वाला नहीं है, सब खत्म, खेल खत्म। उस समय कृष्ण जो कि बकासुर के गले में थे, वो बकासुर के गले में एकदम गर्मी पैदा करते हैं, गरम गरम लगता है उसको, तो बकासुर को ऐसा लगता है कि कृष्ण को अभी उगल देना चाहिए बाहर, वैसे ही उगल देना चाहिए जैसे ऊंट आम की पत्तियां खा के उगल देता है, क्योंकि आम की पत्ती में रस तो थोड़ा होता है लेकिन फाइबर ज्यादा होता है तो ऊंट खा नहीं पाता है, उगल देता है। तो इस तरह से उसको लग रहा था अभी उगल देना चाहिए। या फिर जब व्यक्ति कभी कभी पानी पीता है तो क्या होता है, नाक के माध्यम से पानी अंदर चला जाता है, तो ये एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कभी कभी, तो उस समय क्या होता है, लगता है किसी तरह से पानी बाहर जाए क्योंकि अंदर बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत दर्द होता है, तो बकासुर को वैसा ही लग रहा था। तो ये बकासुर के कुछ अनुभव हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि बकासुर को कैसा लग रहा था जब कृष्ण बकासुर के मुंह में थे। तो जैसे हमको नाक से जब पानी अंदर जाता है तो लगता है, वैसा ही बकासुर को लग रहा था। तो ये बकासुर का अनुभव है। ये कभी कभी अनुभव समझने का प्रयास करना चाहिए, ये डिटेल है भगवान की लीला के। एक बार राधानाथ महाराज वहाँ पे थे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, तो TMT है ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल में चल रहे थे, तो द्वारकाधीश प्रभु थे वहाँ पे, तो जो डिवोटी टेस्ट कर रहा था वो डिवोटी ने बोला के, भक्त ने बोला के, महाराज को कुछ परेशानी दिखाई दे तो बता देना, हम उसको बंद कर देंगे। तो महाराज चल रहे थे और ट्रेडमिल क्या है, धीरे धीरे करके ट्रेडमिल की स्पीड भी तेज होती है और एंगल भी क्या होता है, धीरे धीरे करके ऊपर होता है, ऐसा लगता है आप पहाड़ में चढ़ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके एंगल भी ऊपर करते हैं। तो इस तरह से टेस्ट चल रहा था महाराज का, चलते 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 एक समय आ गया, उन्होंने बोला महाराज एकदम फिट हैं, महाराज से बोलिए नीचे उतर जाए, पर महाराज उतर नहीं रहे थे। और महाराज चलते जा रहे थे, फिर एक समय तो ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठक 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 एक करके पैर रख रहे थे। तो फिर उसको भक्त को लगा के लगता है महाराज गिर ही जाएंगे नीचे, एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया,
तो वो तुरंत बंद कर देता है मशीन। तो उसके बाद मैं द्वारकाधीश पे बोलते हैं, महाराज आप ऑलरेडी फिट हैं आप कंटिन्यू क्यों कर रहे थे उस पर मशीन पे। तो महाराज बोले कि वो खिड़की से बाहर राधा गिरीधारी है ना वहाँ पर, तो राधा गिरीधारी दिख रहे थे। तो मैं एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा था कि काल यवन जब कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहा था उसको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि काल यवन पूरी स्पीड में दौड़ रहा था और कृष्ण आराम से चल रहे थे फिर भी पकड़ नहीं पा रहा था। तो महाराज बोले वो मैं एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हमारे आचार्य लोग एक्सपीरियंस लिखते हैं कि कैसे बकासुर को लग रहा था जब वो कृष्ण से गले में थे। तो इस तरह से कृष्ण बहुत गर्म दिखाई दे रहे थे और किसी तरह से वो कृष्ण को बाहर उगलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उसे गले को ऑलमोस्ट बंद कर दिया, चोक कर दिया अंदर से और अपना विस्तार करना चालू किया बकासुर के गर्दन में। तो अभी वो उगलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उगल नहीं पा रहा था, तो कृष्ण बकासुर के गले में फंस गए थे। तो फंस गया बेचारा, तो इस तरह से बहुत दुखी था। तो कृष्ण से अगर संपर्क होता है तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन यदि व्यक्ति का मनोभाव ठीक नहीं है तो कई बार लोग भक्ति में आके भी परेशान हो जाते हैं। जप माला देखते हैं, अरे इतनी लंबी क्यों है, थोड़ा छोटी होनी चाहिए थी। तो उस तरह से कृष्ण आनंद के स्रोत हैं पर लोगों को आनंद नहीं मिलता है। यदि भक्ति भाव नहीं है तो कृष्ण का संपर्क भी पर्याप्त नहीं है ना। इसलिए जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण से अगर प्रेम है, कृष्ण वृंदावन में है नहीं है, कृष्ण हृदय में रहते हैं। और यदि कृष्ण के से प्रेम नहीं है, कृष्ण के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तो व्यक्ति भक्ति के वातावरण में रहते हुए भी दुखी रहेगा। उसको लगेगा कि अरे कथा इतनी लंबी क्यों चलती है, कथावाचक वक्ता समय पे बंद क्यों नहीं करता है, माला इतनी लंबी क्यों दिखती है, तो अच्छा नहीं लगता है। मंगल आरती इतनी सुबह क्यों होती है, सूर्यदेव को थोड़ा लेट उठना चाहिए, इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं, रात इतनी छोटी क्यों होती है, थोड़ा लंबी होनी चाहिए। तो ये सारे भाव मन में आते हैं। तो इसलिए भक्ति भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस तरह से जब बकासुर कृष्ण को थूक नहीं पाता है बाहर तो तड़पने लगता है और जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है। तो फिर कृष्ण को थोड़ा सा उसके ऊपर तरस आ जाता है, क्योंकि बकासुर को लग रहा था कि अभी लगता है प्राणवायु हृदय से निकल के बाहर छूट जाएगी। जब उसको लगने वाला था कि मरने वाले हैं, उसी समय कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बाहर निकलते हैं हीरो की तरह। तो आजकल के जो हीरो लोग हैं हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड जहाँ पे भी हैं, वो सब कृष्ण को इमिटेट करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे सीन होते हैं जब हीरो हेलीकॉप्टर या प्लेन से नीचे गिरता है समरसॉल्ट करते हुए, तो सब कृष्ण से लिया हुआ है, क्योंकि कृष्ण भी बकासुर के चोंच के बीच में से वैसे ही गिरते हैं ऊपर से। और जब ऊपर से वो नीचे आते हैं तो कृष्ण बकासुर के मुंह से निकलते हुए ऐसे दिखते हैं जैसे चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा राहु के मुंह से बाहर निकल के आता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय राहु चंद्र और सूर्य को निगल तो जाता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ उसका मुंह है, शरीर नहीं है, खाने के लिए खाना पेट में जाना चाहिए ना, पेट तो है नहीं, तो मुंह से खाता है और उस तरफ से निकल जाते हैं सूर्य और चंद्र। तो कृष्ण जब निकल रहे थे तो ऐसे ही लग रहे थे कि कुछ समय के लिए कृष्ण चंद्र दिख नहीं रहे हैं, अभी वापस दिखाई देने लगते हैं। या फिर बारिश के बादल में कभी कभी सूर्य थोड़ी देर को दिखाई देता नहीं है,
तो थोड़ी देर के लिए हमारी नज़र से क्या हो जाता है, सूर्य उधल हो जाता है पुनः, लेकिन फिर दिखाई देने लगता है। तो उस तरह से कृष्ण वापस दिखाई देने लगे, और जैसे ही कृष्ण दिखाई देने लगे तो कृष्ण इस तरह से बकासुर के मुंह से निकले जैसे शेर का बच्चा गुफा से बाहर निकलता है पूरा वीर रस के साथ। जैसे शेर का बच्चा गुफा से बाहर निकलता है वैसे कृष्ण बाहर निकले। या फिर जो भक्त लोग हैं वो मृत्यु के पास से, जन्म मृत्यु के पास से छूट के बाहर निकलते हैं वैसे कृष्ण बाहर निकले। जिस तरह से कृष्ण बाहर निकलते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कृष्ण का कोई भी अंग, उनके कपड़े या उनके गहने बकासुर के थूक से बिल्कुल भी दूषित नहीं हुए थे। तो ये मतलब है आध्यात्मिक शरीर का। तो कई बार भक्त लोग पूछते हैं, कहते हैं कि अरे कृष्ण के शरीर में तो कोई नशे नहीं है, अस्नावीरम, लेकिन जब भीष्म देव तीर चलाते हैं तो उनके शरीर से रक्त कैसे निकलता है? तो कृष्ण के शरीर से रक्त जरूर निकलता है, क्योंकि कृष्ण सबके शरीर में रक्त दे सकते हैं, अपने शरीर से रक्त क्यों नहीं निकाल सकते? कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति कृष्ण पर कुछ नहीं कर सकती, भौतिक नियम कृष्ण पर लागू नहीं होते हैं। तो कृष्ण भौतिक प्रकृति के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति कृष्ण के साथ कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि कृष्ण कौन है? भौतिक प्रकृति के नियंत्रण करता है, वो नियंत्रण में रखते हैं। तो ये अंतर है। तो कृष्ण चाहें तो कुछ भी निकाल सकते हैं, पसीना भी निकाल सकते हैं, रक्त भी निकाल सकते हैं अपने शरीर से, भले ही उनके शरीर में कोई रक्त नहीं है, पसीना नहीं है, लेकिन भौतिक प्रकृति कृष्ण को नहीं बांध सकती है। इसलिए कृष्ण भले ही बकासुर के मुंह में थे लेकिन दूषित नहीं हुए, ना ही उनके वस्त्र और ना ही उनके आभूषण। तो कृष्ण, कृष्ण के वस्त्र, कृष्ण के आभूषण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के धाम, ये सब के सब भौतिक प्रकृति के नियंत्रण के परे है। तो ये हम इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण नीचे उतरते हैं, और जब कृष्ण वहां से निकले तो एकदम तदो तारो ताजा, क्या बोलते हैं, ताजा लग रहे थे, फ्रेश फ्रेश दिख रहे थे, और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि अभी युद्ध कर रहे हैं या युद्ध किया हुआ है, एकदम आराम से। और जब वो उठे तो गोप सखाओं के कान में उन्होंने कुछ बोला, जिसके कारण क्या हुआ, क्या बोला लिखा नहीं है, कुछ बोला जिसके कारण सारे गोप सखा अपनी मूर्छा से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब बाकी लीला भी देखना है ना, मूर्छित रहेंगे तो लीला कैसे देखेंगे। तो कृष्ण वापस उनको जगाते हैं, और जैसे ही बकासुर देखता है, अरे कृष्ण तो चोंच में से बाहर आ गए हैं, तो बकासुर क्या करता है, अपनी पेनी चोंच से कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास करता है। और जैसे ही वो कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास करता है, कृष्ण साइड में थोड़ा सा मुड़ते हैं, तो चोंच कहाँ जाती है, जमीन पर, और पीछे से जाके बकासुर की पूंछ पकड़ लेते हैं। पूंछ मतलब जानवर जैसी नहीं होती पर पंख होते हैं, तो इस तरह से बकासुर की पूंछ पकड़ लेते हैं, और उसको पकड़ के जोर से बकासुर को जमीन पे दे मारते हैं। तो सोचिए, पहाड़ अगर जमीन पे लग रहा है तो भूकंप आएगा, तो इस तरह से जोर से मारते हैं, तो सबको लगता है बकासुर गया, लेकिन बकासुर फिर से खड़ा हो जाता है, और फिर से अपनी सोच को जैसे पहले खोला हुआ था वैसे फिर से खोल लेता है, एक चोंच जमीन पे, दूसरी आसमान को छूती हुई। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि, और फिर कृष्ण उस तरफ जाते हैं, सबको लगता है कि एपिसोड अभी रिपीट होगा, लेकिन एपिसोड रिपीट नहीं होता है। कृष्ण चोंच जो खुली हुई थी उसको और भी खोल देते हैं, तो इतना खोलते हैं कि बकासुर का जो प्राणवायु थी
वो भी चोंच में से निकल के बाहर चली जाती है और फिर कृष्ण के शरीर में प्रवेश करती है। तो इस तरह से कृष्ण बकासुर को उस तरह से चीर देते हैं जैसे कोई बालक घास को दो टुकड़े में चीर देता है, तो इतनी आसानी से, या फिर कोई हाथी किसी डाल को दो भागों में तोड़ देता है, तो इतनी आसानी से चीर देते हैं। और फिर रक्त सब यहां वहां बहने लगता है और बकासुर का जो शरीर था वो ऐसा दिखाई पड़ता है, मान लीजिए दो जुड़वां पहाड़ियां एक साथ खड़ी हो, दो पहाड़ियां एक साथ होती है ना, दो पीक्स के साथ, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था बकासुर। और जब ऐसा होता है तो हम इस श्लोक में देखते हैं कि सारे गोप सखा कृष्ण की प्रशंसा करने लगते हैं, जय हो कृष्ण भगवान की, इस तरह से जय जयकार करते हैं। और फिर उसके बाद में और जोर जोर से कृष्ण की लीलाओं का को गाने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी विश्वनाथ सागर ठाकुर को कोट करते हैं, कहते हैं इसका दूसरा मतलब यह है कि वो क्या करते हैं, कृष्ण की लीलाओं को अलग अलग कविताओं के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कभी कभी वो लोग जो प्रोफेशनल कवि होते हैं उनको भी हायर करके उनसे कविताएं लिखवाते थे और उस तरह से कविताएं लिखा के उनको गाते थे। तो ब्रज में आज तक आज भी वो वैसी सारी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ईस्टर्न यूपी में अभी कल्चर है, शादी वगैरह में वो सारी कविताएं गाते हैं लोग, लेडीज जब खाना बनाती हैं वो गाते हैं। तो इस तरह से बकासुर का वध होता है। और हमारे जैसे हम भक्तों ने पहले बताया था कि जो आचार्यगण बताते हैं बकासुर हिपोक्रेसी, इसको बोलेंगे कपट, कपट का द्योतक है। तो भगवान ही उस कपट को का वध कर सकते हैं जो हमारे हृदय में है। कपट क्यों कहते हैं, क्योंकि बकासुर जो है वो क्या है, वक के रूप में। तो बहुत फेमस है हिंदी में, कहते हैं बगुला भगत, सुना होगा आपने बगुला भगत। बगुला भगत मतलब बगुला जब किसी भी सरोवर में, या फिर सरोवर में नहीं रहते, तलिए में रहते हैं गंदी, तो गंदे तालाब में तलिए में जब वो खड़े रहते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़े भक्त हों, भक्त हों, पूरा ध्यान करते हुए एक टांग पे खड़े हुए लगता है ध्रुव महाराज की तरह तपस्या कर रहा है, तो ऐसा खड़ा रहता है एकदम ध्यान में। नहीं, उसकी नज़र कहाँ रहती है, मछली पे, और जैसे ही मछली पास में आती है टक तुरंत उसको खा जाता है। तो उस तरह से कई बार लोग ढोंग बना के दिखाते हैं बहुत बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, खड़े रहते हैं। तो बहुत सारे बाबा होते हैं, मौनी बाबा, कुछ बोलते नहीं, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं या फिर कुछ भभूति दे देते हैं, लोग बड़े श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसी इंद्रिय तृप्ति की कुछ कुछ मौका मिलता है इंद्रिय तृप्ति करने का, तो तुरंत क्या करते हैं, मौके को गवाते नहीं है, तुरंत एक्सेस करते हैं। तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है उसका। तो इस तरह से वो जो कपट की भावना है वो हमारे हृदय में भी है। शायद हर किसी को मन पढ़ने का मौका मिल जाता तो हम किसी की तारीफ नहीं कर पाते, सब कर लेते, क्योंकि हमारा भी खुद का भी मन सबको पता चल जाता है। हमारे मन में क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग कई बार तारीफ करते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े साधु हैं, क्योंकि हृदय की सारी बातें दूसरों को पता चलती नहीं है। तो उस तरह से कपट की भावना कई बार हृदय में रहती है। जब हम लोगों के सामने सरलता का प्रदर्शन नहीं करते,
ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं या कितनी श्रद्धा है हमारे अंदर, कितनी कितना भाव है हमारे अंदर, तो वो सारी भावना हमारे अंदर रहती है। और कृष्ण ही उस कपट का नाश कर सकते हैं। तो कृष्ण का तरीका थोड़ा अलग है, कभी कभी एक्सपोज करके नाश करते हैं उसका कपट का, सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। तो हम लोग दिखाते हैं कि हम बहुत तपस्वी हैं, तो कई बार भगवान ऐसा व्यंजन भेज देते हैं जो हमको बहुत पसंद है, सबको पता चल जाता है कि कितनी कितनी तपस्या है इसके अंदर। तो सर कई बार भगवान ऐसे एक्सपोज करते हैं, और कई बार इतना एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होती है, तो थोड़ा सा हमारे मान को बचा के रखते हैं। तो मात्र भगवान की कृपा से ही वो जो बकासुर हम सब के हृदय में है उसका नाश हो सकता है। और जब हृदय सरल होता है तभी हम एक ब्रजवासी बन सकते हैं, क्योंकि ब्रजवासी सरलता के लिए जाने जाते हैं। और जब ऐसी सरलता होगी तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तभी दो मिनट है, किसी को प्रश्न है पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें सामने देखा है कि लगता है कि दानवों को लगता है कि मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी नम्र नहीं होते, ये नहीं बोलते हैं कि भगवान ठीक है अभी समझ गए आप बहुत शक्तिशाली हैं क्षमा कर दीजिए। यही दानवी प्रवृत्ति है। दानवी प्रवृत्ति मतलब हमेशा अहंकार रहता है, व्यक्ति को लगता है कि हम पराजित हो जाएंगे, पराजित हो नहीं जाएंगे, पराजित कर देंगे, तो वो आशा की किरण हमेशा व्यक्ति को रहती है, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसी के कारण व्यक्ति क्या है, भगवान के सामने नम्र नहीं होता। तो दानवों को छोड़ दीजिए, संसार में भी ज़्यादातर जो लोग हैं, कौन कौन है जो दुखों से पीड़ित नहीं है, सभी लोग दुखों से पीड़ित हैं, फिर भी आप जाके पूछिए कि आप को जीवन में कष्ट है, भगवत गीता पढ़ी है, तो लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं लगता है आपके जीवन में बहुत कष्ट है इसलिए आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो भले ही कितना भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट क्यों ना हो, कई बार लोगों को लगता ही नहीं कि जीवन में कष्ट है। तो यह समझना कि जीवन में कष्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब व्यक्ति का हृदय नम्र होता है तभी वो समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है कि जीवन में कोई कष्ट है। वरना लोगों को लगता है कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हम सबका सामना कर लेंगे, और व्यक्ति अपने आप को उसमें बहादुर समझते हैं, कितनी समस्याओं से जूझते हुए हम दिखा रहे हैं कि हम झुकते नहीं हैं। तो हमारे रिश्तेदारों में एक दूर के रिश्ते से एक भाई लगता है, तो कुछ गड़बड़ करने गया था। एक्चुअल में क्या था कि वो किसी लड़की का अपहरण करने के लिए गया था, पूरा एकदम हीरो की तरह बंदूक लेके गया था अपने मित्रों के साथ में। तो उसको उठाने के लिए गया था, तो उसका भाई आ गया, लड़की का भाई आ गया, बोले आगे मत बढ़ो वरना गोली मार देंगे। तो बोला कि असली माँ का दूध पिया है तो मारो गोली, मारो गोली, और उसने गोली मार दी, उसको गोली लग गई, और बाकी जो दोस्त थे सब जो पीछे थे सब भाग गए। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, एक नहीं एक्चुअल में कई गोलियां लगी थी। तो जब उसका एक्सरे होने वाला था, डॉक्टर ने बोला एक्सरे कराना पड़ेगा, तो लोग पकड़ के लेके जा रहे थे, बोले किसी की जरूरत नहीं है, खुद जाके एक्सरे मशीन पर खड़ा हुआ और अपना एक्सरे कराया। तो कष्ट था लेकिन जो मर्दानगी थी वो गई नहीं, कितनी भी गोली लगी हो हम मर्द हैं,
इवेंचुअली उसी वजह से उसकी डेथ हो गई बाद में। लेकिन लोग कई बार इतना ज़्यादा अड़े रहते हैं, कितना भी दुख क्यों ना हो दुख के साथ एडजस्ट कर लेंगे, बल्कि उसमें बहादुरी दिखाते हैं। तो कई बार लोग बताते हैं अपनी कहानी, आपके लोगों के पास जाइए, लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं कि कितना कष्ट झेलते हुए हम बचपन से अभी तक खड़े हुए हैं, और इतनी बड़ी बड़ा जो एम्पायर है, बड़ी छोटा सा एम्पायर हो उनको बहुत बड़ा लगता है। तो अपनी कहानियाँ बताते हैं कि हमने ये संघर्ष किया, वो संघर्ष किया, ये किया, वो किया। उनको बोलिए कि आप भगवान का नाम लीजिए, जीवन में कितने दुख हैं अभी तक सामना किया स्वामी जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रवृत्ति रहती है। तो नम्र होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सबके लिए संभव है। नंदराज श्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद की।